यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग परेशान है और सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आज बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, इन सब में प्रदेश नंबर वन है, लेकिन विकास में नहीं। संविधान की चीज तो है ही नहीं, कानून होता। रोज आप देख रहे हैं मर्डर, डाके, बैंक लूटते जा रहे हैं, एटीएम लूटते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल। भाई जो बात उन लोगों से कह के आए, अच्छा प्रशासन दो, सुशासन दो, कानून व्यवस्था पे काबू करो, किसान को राहत दो, गरीब आदमी को राहत दो। हम 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, अब एक प्लॉट नहीं दिया इन्होंने, ना गरीब को ना किसान को, हर हर वर्ग परेशान है। बाकी नंबर वन है, ये ठीक कह रहे हैं, महंगाई में नंबर वन है, बेरोजगारी में नंबर वन है, भ्रष्टाचार में नंबर वन है। कांग्रेस सदैव एकजुट थी, आज भी एकजुट है और कल भी एकजुट रहेगी। प्रदेश के हालात ये आज ये हैं कि अगर स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और जो इसका कानून व्यवस्था नाम का तो नाम ही नहीं। और जहाँ तक सवाल है विकास का, जब उसके पास जाने में पैसा ही नहीं, और क्राइम का अपराध बढ़ रहा है। अब यहाँ तक का हालात है कि 63 स्कूल ऐसे हैं हरियाणा में जहाँ एक भी टीचर नहीं, कहाँ जाएंगे उनके बच्चे। 40 ऐसे हैं जहाँ केवल एक टीचर है, और यहाँ मतलब यमुनानगर इसमें भी काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक एक टीचर है। तो इस प्रकार से बिजली का देख रहे हैं आप। अभी हम जब कार्यक्रम में थे डॉक्टर शर्मा के, घंटों घंटों कट जाता है, 24 घंटे बिजली देने की बात करके। यमुनानगर में भी अगर कट होता बिजली का, जहाँ पे थर्मल पार्ट हमने लगाया था, ये कंडीशन में भी 24 घंटे बिजली रहेगी यहाँ, क्या क्या उसका। तो हर प्रकार से सरकार जो है बिल्कुल विफल है। किसान के साथ आपके जो किसान की फसल है गेहूँ की, वो 50% के करीब कम हुई है। उसके कई कारण है, और एक कारण का मुख्य जो है वो बेमौसमी भी हुआ है, और इतनी कम पिछली साल से कम फसल होने के बावजूद भी जो खरीद जो हो रही है वो ठीक ढंग से नहीं हो रही, क्योंकि हाँ मंडी में जो खरीद हो रही है FCI के गोदाम तक नहीं पहुंच रही, और जब तक FCI के गोदाम तक नहीं पहुंचेगा तो किसान को पेमेंट नहीं मिलती, तो किसान यूँ लटका रहता है। दूसरा जो बेमौसमी जो मौसम खराब हुआ, और उसकी वजह से जो दाना जो है वो कहीं कहीं पिचक गया, अब किसान ले जाता है वहाँ, और वो फिर जब आड़ती लेके जाता है FCI में तो FCI रिजेक्ट कर देती है, तो क्या किसान करेगा भाई। तो हर बार ज्ञान ओपी चौटाला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस में नहीं चल रही, इसलिए अपने बेटे को आगे कर रहे और नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। वो अपनी पार्टी देखे ना, पार्टी हुड्डा साहब ऐसे समझकर बेटा कहीं है, पोता कहीं है, पड़पोता कहीं है, उनको सब ऐसे समाचार अपने 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 को देख ले। मेरे को हुड्डा जी ऐसा समाचार मिल रहे हैं, मैं सक्षम हूँ खुद देखने के लिए। वो आपने देखा हुड्डा ने अभी कहा कि हुड्डा का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं बचा। अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, उनका बताइए क्या मैं ले उनकी बात। सर पंजाब में गया सर, लंबे समय से जो है पंचायतें भंग पड़ी हैं, पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो पार्टी BJP और JJP हैं इनकी हिम्मत नहीं है लोगों से। सर युवाओं को लेकर कितनी भागीदारी रहेगी विधानसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में? आने दो चुनाव जो बता देंगे, 2 साल है। सर क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस पुनः एकजुट हो गई है, या इसको करने के लिए और प्रयत्न करना पड़ेगा? कांग्रेस सदैव एकजुट थी, आज भी एकजुट और कल भी एकजुट रहेगी। सर हुड्डा में कांग्रेस में इतनी बड़ी गुटबाजी है हर कार्यों को लेकर, यहाँ तक पता लगा है सूत्रों से कि जो सदस्यता अभियान था कांग्रेस का उसमें भी गुटबाजी चली, कुछ लोगों का सदस्यता अभियान भी रद्द कर दिया। ऐसा है, ये गुटबाजी खबरें आपके पास ही होती है। नहीं ये तो हकीकत है, कांग्रेस में कोई नहीं, ये तो प्रमाण है उस चीज का, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। सर जो विधायकों की पेंशन को लेकर मामला जिस प्रकार से पंजाब के अंदर बंदी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर देखिए यहाँ तो पहले ही विधानसभा ने पास किया हुआ है 1 लाख रुपए अपर लिमिट रखी हुई है, हरियाणा पहले ही किया था, तो आप बात कर रहे हैं। लेकिन ये कौन कौन बात कर रही है, वो पार्टी बात कर रही है
जब दिल्ली में सरकार बनी वहाँ 1 लाख रुपए तनख्वाह दी एमएलए की, 1 से 5 कर दिया, तो एलजी नहीं माना। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।